फरीदा, इतना जरा सा खाना खाया है तुमने? मैं कई दिनों से देख रही हूं तुम बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रख रही हो। अम्मी, ये खाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये भी बहुत मुश्किल से खत्म किया है मैंने। बेटा, तुमने अपनी पसंद से खाना बनवाया है और अब खाते हुए इतने नखरे कर रही हो। मुझे लगता है जमशेद को बताना पड़ेगा। देखो ना, कितनी बीमार हो रही हो तुम। हाँ अम्मी, मुझे भी महसूस हो रहा है कि मेरी तबीयत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही है। लेकिन इसमें जमशेद का क्या ताल्लुक है? बेटा, वो तुम्हारा शौहर है, इससे बड़ा ताल्लुक और क्या होगा तुम्हारा? बस अब ये रिश्ता सिर्फ कागजों में दफनों का रह जाएगा। अम्मी, मैं अपनी जिंदगी के मामलात उससे अलग रखना चाहती हूँ। क्या चाहती हैं आप माँ? मैं वहां जाऊं जहां बार बार पर मेरी जात की नफी की जाए? बस बहुत हो गया बेटा, तुम्हें अपने घर में जाना होगा। बेटा, तुम्हारे सर पर तुम्हारा बाप नहीं है, और एक बेवा मां के कंधे इतने मजबूत नहीं होते कि वो अपनी उजड़ी हुई बेटी का बोझ उठा सके। क्या चाहती हैं आप अम्मी? मैं जमशेद के घर चली जाऊं? क्यों? आखिर किस हैसियत से? तारा जमशेद के बच्चे की मां है, मेरे पास क्या है मां? बात बात पर चीखने लगती हो, ये क्या तरीका है बात करने का? बेटा, जमशेद तुम्हारी बहुत कदर करता है, कम से कम उसका ही ख्याल कर लो। नहीं जाऊंगी मैं वापस, कह दिया ना मैंने, बस। आप इस मौजू पर दोबारा बात नहीं होगी अम्मी। जी जी बहन, आप फरीदा को समझा बुझा के घर भिजवा दीजिए। देखिए, जमशेद भी बहुत परेशान है और बच्चा भी बहुत बीमार है। मैं क्या करूं जमशेद और उसके बच्चे का? मेरी अपनी बेटी बीमार है, शदीद जहनी दबाव का शिकार है, मुझे तो हर वक्त उसकी सेहत की फिक्र खाई जा रही है। आप अपना दिल जरा सख्त रखिए, बेटियों से हमदर्दी करेंगी तो वो अपना घर नहीं बसा पाएंगी। माओं को छोटी छोटी बातों में दखल नहीं देना चाहिए। मैं उनके घर के मामलात से लाताल्लुक हूं, लेकिन जब बात आएगी मेरी बेटी की, उसकी सेहत और जिंदगी इस दांव पे लगी हुई है, तो मैं कैसे खामोश रहूं? आपने क्या तहफुज दिया है मेरी बेटी को? कौन सी इज्जत की है आपने उसकी? ना ना, फरीदा तो हमारी आंखों का तारा है, अब उस पागल लड़की का क्या करें जो जमशेद के बच्चे की माँ है। जमशेद भी बहुत मजबूर हो चुका है, वरना हकीकत तो ये है कि वो पागल लड़की रखने के लायक ही नहीं है घर में। बहरहाल जो कुछ भी हुआ, लेकिन आइंदा ऐसे हालात में फरीदा कैसे रह सकती है वहाँ? सोच लें, बीवी चार दिन घर ना हो तो मर्द को कुछ और ही सूझने लगता है। जो भी होगा देखा जाएगा, इन हालात में फरीदा वहां नहीं जाएगी।
डॉक्टर साहब आप खुद डॉक्टर हैं, आप ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। पहले तो ऐसी नहीं थी डॉक्टर, अच्छी खासी सेहतमंद थी। सेहतमंद तो वो अब भी हैं। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। भाई आपकी वाइफ तो एक्सपेक्ट कर रही है। सनी मैं इतनी हैवी अमाउंट कहाँ से लाऊं? Give me some time. Time? बिजनेस में कोई किसी का दोस्त नहीं होता मामा। आगे टैक्स वाले फॉलो कर रहे हैं मुझे, बैंकक्रप्ट हो जाऊंगा मैं। मेरा स्टोर पहले ही बंद हो चुका है, सारे एसेट्स मैं बेच चुकी हूँ, फ्लैट का किराया भी तुम्हें दे चुकी हूँ, सोशल सिक्योरिटी पे गुजारा हो रहा है, और जो कुछ तुम्हारा बाप मुझे देकर गया था सब तुम बिजनेस में लुटा चुके हो सनी। बहुत आसान किया है आपने मुझको इतना किराया देकर। इतनी सी रकम से क्या होता है मामा, वो तारा भी आपके हाथ में नहीं आ रही। अगर मेरी बहन जायदाद तारा के नाम कर देती तो काम आसान हो जाता, मगर उसने जायदाद उसके हस्बैंड के नाम लगवा दी। अब कुछ टाइम लगेगा मुझे उसे शीशे में उतारने के लिए। सुना है उसने अपने क्लास फेलो से दूसरी शादी कर रखी है। That's great. आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? अब तो वो हमारे ट्रैप में ज्यादा आसानी से फंस जाएगी। We could sue him. उसने अपनी बीवी की इजाजत के बगैर शादी कर ली है। तारा जब तक बयान ना दे दे कि वाकई कोई ऐसी बात है, कुछ काम सीधा नहीं हो सकता, और तारा एक हद से आगे अपने हस्बैंड के खिलाफ कभी नहीं जाएगी। आप उसकी सगी खाला हैं, आपकी तो बात मानेगी वो। हाय क्या करूं, बस उसके चेहरे में मुझे अपनी सगी बहन का चेहरा नजर आता है। कम ऑन, हर चीज को इमोशनलाइज ना किया करें आप, बाकी सब चीजें बेमानी है मामा। अगर आप तारा को अपने ट्रैप लाने में कामयाब होगी ना तो मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन सकता हूं। आप ये समझती क्यों नहीं है? जब धूप की बारिश हो, मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस है। अब कैसी तबीयत है फरीदा? बेहतर हूं, बस कुछ कमजोरी से महसूस हो रही है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरे अल्लाह ने मुझ पे कितना बड़ा कर्म किया है। मैं तो मायूस हो चुकी थी, मुझे लगता था मैं सारी उम्र नामुराद रहूंगी। अल्लाह पाक की जात बहुत अजीम है फरीदा, तुम तो ताल्लुक तोड़ना चाह रही थी ना मुझसे, लेकिन अल्लाह ने कैसा इस खला को पुर किया। हमारी जिंदगी में खुशियां आ रही हैं फरीदा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। अब घर चलो फरीदा, मेरी जिंदगी की राहें सुनसान पड़ी हैं, जहां जहां तुम कदम रखोगी वहां वहां फूल खिल जाएंगे। जहां चाहे ले चलो जमशेद, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अब तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगी। हमें यह खबर सुनकर बहुत खुश होंगी फरीदा। तुम्हें पता है जब से तुम घर छोड़कर आई हो वो बहुत परेशान रह रही थी। अच्छी खबर है, अल्लाह सेहतमंद औलाद दे। लेकिन मैं महसूस कर रही हूं कि जब से फरीदा वापस घर आई है वो किसी से बात नहीं करती, यहां तक कि वो अफान को भी नहीं बुलाती। भला बच्चे से कैसा बैर? अम्मी वो बड़े ट्रॉमा से गुजरी है, इन तीन हफ्तों में वो काफी ज़हनी दबाव का शिकार रही है, उसे मुकम्मल बेड रेस्ट की जरूरत है।
मैं इन बातों को समझती हूँ बेटा। वो अफान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। वो बेचारा बच्चा उसकी तरफ लपकता है लेकिन वो तवज्जो ही नहीं देती। मुझे ये देखकर बड़ा ही दुख होता है। अम्मी, तारा ने भी तो उसे बहुत बुरी तरह मारा था, भला कोई इतनी आसानी से ऐसे भुला सकता है? आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी। बस यही कसर बाकी थी। पहले एक मेंटल थी, अब दूसरी का भी ज़हनी तवाज़ुन मशकूक है। अम्मी आप परेशान मत हों, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सारे मसले हल हो जाएंगे। उधर अदालत की तारीख नजदीक आ रही है, तारा का मेडिकल चेकअप भी होगा और उसका बयान भी रिकॉर्ड होगा। पता नहीं भरी अदालत में क्या बयान दे दे, उसे कुछ बईद नहीं कि वो क्या कहते। अल्लाह मालिक है अम्मी, मैंने ये सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दिया है। जब मैं हक पे हूं और मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती भी नहीं की तो फिर डर कैसा। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम। बाकी काम करो, जल्दी से मेरे ड्राइवर को सेवन क्वार्टर में बिठाओ और उसे एक कप चाय पिलाओ। मैं थोड़ी देर में मैंने वापस जाना है, ठीक है? अच्छा, शाबाश, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? और सब कहाँ है? अम्मी नजर नहीं आ रही, तारा भी नहीं है। वो अफान की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तारा उसी के पास है। क्या हुआ आफान को? पता नहीं, कुछ दिन से चिड़चिड़ा सा हो रहा है। मेरा ख्याल है उसे बुखार है। कमाल है, तुम्हें नहीं पता आफान को क्या हुआ है? अजीब बात है, तुमसे तो कितना अटैच रहता है वो। तुम्हारे जाने के बाद तो बीमार पड़ गया था। हाँ ठीक कह रही हो तुम। दरअसल कुछ दिनों से मेरी अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं। वैसे भी अफान तो तारा का बेटा है ना। ये कैसी बातें कर रही हो तुम फरीदा? तुम्हारे लहजे में इतनी अजनबियत कैसे आई? ये इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आखिर? एक न एक दिन इस हकीकत को तस्लीम करना पड़ता। साजिदा, मैं अफान से बहुत मोहब्बत करती थी। तारा ने इस कमजोरी की इतनी बड़ी सजा दी है मुझे। मैं अपनी ही नजरों में गिर गई हूं। मैंने सोचा शायद अफान से किनारा कशी मेरे लिए बेहतर साबित होगी। तुम्हारी मर्जी है फरीदा, लेकिन बच्चे के लिए दिल में इतनी किना रखना। खैर छोड़ो इस बात को। फरीदा, अफान रो रहा है, काफी देर से तड़प रहा है। अम्मी भी घर नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। मुझे बच्चे पालने का कोई तजर्बा नहीं है। वैसे भी अफान तो तुम्हारा बेटा है, मुझे तो उसे हाथ लगाने का भी हक नहीं है। तुम मुझसे नाराज हो ना, मगर अफान का तो कोई कसूर नहीं है। तुम इतनी अजनबी नजरों से क्यों देख रही हो? तारा, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। अफान तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल है इतना समझना आसान है। बात का गिला है आपकी अम्मी को मुझसे? क्या चाहती है वो मुझसे? जब तारा मुझे धक्के देती थी, मेरे बाल नोचती थी, तब तो वो खामोश तमाशाई बनी देखती रहती थी। अब वो क्या चाहती है मुझसे? बड़ी मुश्किल से संभाला है खुद को मैंने। समंदर में डूब कर उभरी हूं मैं, मजीद अपनी जात की नफी नहीं कर सकती।
देखो फरीदा, अफान मासूम बच्चा है, लाडला है उनका, और कोई भी उसे इग्नोर करता है तो उनको गुस्सा तो आएगा ना। अब आप इस बात को इशू मत बनाए जमशेद, मुझे जिंदगी अच्छी लगने लगी है, मैं जीना चाहती हूं, मेरी झोली में फूल खिलने वाला है, मुझे हर तरफ खुशबुएं रंग महसूस होते हैं, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, यह एहसास कितना अनोखा है जमशेद। अल्लाह का शुक्र अदा करो फरीदा, लेकिन तारा का दिल ना दुखाया करो, वो बड़ी बदनसीब है, मां बनकर भी वो मां का किरदार अदा नहीं कर सकती। अफान अपनी पूरी जिंदगी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं गुजार पाएगा। वो कभी इतनी ठीक नहीं हो सकेगी कि मां का किरदार अदा कर सके। वो तो सारी जिंदगी खुद दूसरों की तवज्जो की मोहताज रहेगी। मैं क्या करूं जमशेद, मैं खुद को आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना चाहती हूं, खुद को बहुत कमजोर महसूस करती हूं, मैं अब किसी भी असाबी बोझ के काबिल नहीं रही। मैं आज ये बात तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा फरीदा, तुम बदल गई हो, पता नहीं कैसे इतनी बदल गई हो तुम। तुम मुझसे मायूस हो जमशेद, मैं तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी उम्मीदें लेकर आई थी, वक्त के बेरहम हाथों ने मुझसे मेरे सारे मान छीन लिए। मैंने कब दिल दुखाया तुम्हारा? तुमने मुझे हमेशा तारा और अफान के हवाले से देखा है, मेरी अपनी तो जैसे कोई अहमियत ही नहीं है। तुम्हारी सोच कितनी बीमार है फरीदा, क्या हो गया है तुम्हें? जब धूप की बारिश हो, धूप की बारिश हो। अभी देखे ना, इसका बुखार नहीं जा रहा। तारा क्यों परेशान हो रही हो? ठीक है, बहुत तेज बुखार था, दवा दे रही है, अल्लाह रहम करेगा। अम्मी फरीदा मुझसे नाराज है, जब से आई है बेरुखी से बात कर रही है, अफान को भी नहीं उठाती है। क्या हुआ है अफान को? अफान को बहुत तेज बुखार था, दवा दे दी है, ठीक हो जाएगा। अफान, अम्मी इसको तो बहुत तेज बुखार है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा इसको। अम्मी आप ड्राइवर से बोले वो गाड़ी निकाले। तारा तुम गाड़ी के पास चलो। अच्छा अच्छा, मैं निकाल, मैं अभी आती हूँ। आज तो बेबी ठीक लग रहा है, बेबी को बुखार भी नहीं लग रहा। आप इसको अपना फीड करवाती हैं? नहीं, डब्बे का दूध पीता है। चेस्ट इन्फेक्शन तो क्लियर हो गई है, लेकिन कुछ रोज तक दवाइयाँ और भी जारी रखनी पड़ेंगी। आप इसको दूध के साथ जूस भी पिलाएं, ठीक है? मैं अभी जाती हूँ और इसकी डिस्चार्ज स्लिप और मेडिसिन भिजवा देती हूँ। तारा, तुमने उसे बताया नहीं? अफान तुम्हारा बेटा है। अफान तुम्हारा बेटा है फरीदा, देखा नहीं वो कितना खुश होता है तुम्हें देखकर।
जमशेद भी तुम्हारा है और अफान भी। मैं तो सिर्फ हवा का झोंका हूं, जाने कब कहां चली जाऊं। बीमार बंदे की जिंदगी का क्या भरोसा, साहिलों की आवारा हवा की तरह इधर उधर भटकता फिरता है। भिजवा दिए हैं पैसे भाई, और कितने चाहिए? वो मैं क्या भीख मांगू, पहले मरीजों का खाना खा रहा हूं। ठीक है हो जाएगा। रांझा साहब, आपने पिछले सारे महीनों के कैंटीन के बिल नहीं दिए हैं, आज सारा हिसाब क्लियर कर दें आप। इस महीने बिल अदा कर देने का सोचा था, मगर हूर बानों के भांजे की शादी आ गई। खैर आप बैठे ना, कोई नया शेर तो इनायत करे। सुनाओ ताजा कलाम। इरशाद, तुम्हारी आंखों में न जाने क्या है, तुम्हारी आंखों में न जाने क्या है, कुछ धुंधला सी गई हैं। तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे, शम्मा धीरे धीरे जलती बुझती रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैंने भी कल हुस्ना जी टीवी के मुशायरे से एक शेर सुना था, भड़क उठा। अगर कहें तो सुनाऊं? सुनाइए। उसकी जुदाई ने मार डाला है, उसकी जुदाई ने मार डाला है, कभी घर आओ ना, अम्मा ने अचार डाला। ये क्या शेर हुआ, ऐसे मेरा वक्त जाया करते हैं। चलिए बिल के पैसे निकाले। क्या मतलब है, कैसे नहीं मानेंगे? खमो मां, पागल सी लड़की है, आप तो खाला है उसकी। सनी, तारा अपने हस्बैंड से बहुत अटैच है, वो उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनती। माय फुट, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप अभी इसी वक्त पाकिस्तान की टिकट करवाएंगी और जाके फाइनल करेंगी। सनी, मैं उसे फोर्स तो नहीं कर सकती ना। ठीक है, फोर्स नहीं कर सकते आप, मत करें, लेकिन अपने आप को ओल्ड हाउस में तो रजिस्टर कर सकती है ना आप। निकल जाए यहां से, इस घर को भेज दूंगा मैं। मेरे पास इतनी रकम नहीं है, कैसे अदा करूंगा मैं? क्या मतलब है तुम्हारा, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ब्लैकमेल? दिस इज नथिंग, आई विल किल यू, मार दूंगा आपको। एक छोटी सी खबर आएगी, बुढ़ी औरत अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। जब से डैड से डिवोर्स हुई है ना, आपके तो बड़े आपकी शक्ल भी नहीं देखते, मुझसे पूछेंगी आप। शेरी खाला, आप आ जाए ना, मुझे चंद रोज में अदालत में पेश होना है। तारा, मैं कैसे आ सकती हूँ, मैं इतना बड़ा कारोबार देख रही हूँ, आगे इतना लॉस हो गया है। खाला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वकील मुझसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूँ? तुम्हें अपनी माँ की वसीयत के बारे में कुछ मालूम नहीं है। अदालत इस वसीयत को मंसूख कर देगी और बाकी मामला हम देख लेंगे। कौन से मामला? यही कि तुम अपनी इस शादी को कायम रखना चाहती हो या नई जिंदगी की शुरुआत। कैसी नई जिंदगी? देखो, तुम्हारी शादी का फैसला सरासर गलत है। ये एक बीमार औरत का फैसला था, जिसने बीमारी से घबराकर तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर दिया, और अब ये फैसला तुम्हें खुद करना है।
हाला, मैं जमशेद को कैसे छोड़ सकती हूँ? जमशेद दूसरी शादी कर चुका है और उसकी बीवी एक्सपेक्ट कर रही है। अब तुम्हारी इस घर में क्या जगह है तारा? नहीं नहीं खाला, जमशेद मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ग्रो अप तारा, तुम्हें धोखे में रखा गया, दूसरी शादी रचाई गई और अब इस घर में औलाद का इजाफा हो रहा है। तुम्हारा क्या मकाम रह गया तारा? क्या अब भी हालात को पहचानना मुश्किल है तुम्हारे लिए? जब धूप की बारिश हो, जैज कैश की न्यू एन। जब धूप की बारिश हो, क्या बात है तारा, सही नहीं तुम? नींद क्यों नहीं आ रही तुम्हें? कल साइकेट्रिस्ट के पास जाना है और अगले हफ्ते अदालत में पेश होना है। मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी? ये कानून के तकाजे हैं जो पूरे तो करने हैं ना। तुम टेंशन मत लो, रिलैक्स हो जाओ। लेकिन मैं अदालत में कहूंगी क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो सच है कह दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे लिए तुम्हारी जिंदगी और सेहत ज्यादा जरूरी है। वो 2-3 दिन के बाद शेरी खाला भी आ रही है। तुमने बुलाया होगा उन्हें? हाँ, मैंने ही फोन किया था। मैं बहुत परेशान थी। चलो अच्छा है ना, वो तुम्हारे पास रहेंगी तो तुम पुरसकून रहोगी। इसमें टेंशन वाली क्या बात है? वो तुम्हें बुरा भला कहेंगी, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। कहने दो, उनकी अपनी राय है, क्या फर्क पड़ता है? तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, बस तुम सोचो। बचपन में आप किस चीज से ज्यादा डरती थी? बाबा के खानदान वालों से। मामा कहती थी कि वो मुझे मार डालेंगे या अगवा कर लेंगे। कभी आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि आप अपने बाबा के खानदान से मिलें? मुझे इनके नाम से डर लगता था, रात को सोते वक्त भी खौफ आता था। अपनी अम्मी के खानदान से तो आप मिलती जुलती रहती होंगी? नहीं, ये लोग लंदन में रहते हैं, बहुत कम मिलना जुलना है इनसे। आपकी अम्मी आपसे बहुत प्यार करती थी? हाँ, बहुत प्यार करती थी। हर वक्त ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ है। बहुत याद आती है उनकी, बहुत याद आती है उनकी। डॉक्टर जमशेद ने जबरदस्ती शादी की आपसे? नहीं। उन पर यह इल्जाम है कि उन्होंने आपकी अम्मी की जाली वसीयत तैयार करवाई
और जायदाद की खातिर धोखाधड़ी कर रहे हैं? झूठ है ये। डॉक्टर जमशेद ने दूसरी शादी आपसे इजाजत लेकर की? नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी, मैं बहुत बीमार थी। आपका क्या ख्याल है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? शायद हालात से तंग आकर, मैं बहुत बीमार थी, उनका कोई कसूर नहीं। अदालत में पेशी है तुम्हारी, क्या सोचा है तुमने तारा? वो पता नहीं मुझसे क्या पूछेंगे, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। साइकेट्रिस्ट ने तो तुम्हें इवैल्यूएशन के मुताबिक ज़हनी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया है। उनके मुताबिक तुम्हारी ज़हनी हालत मखदूश नहीं है, तुम अपनी जायदाद की देखभाल कर सकती हो। ये सब जमशेद की मेहरबानी है खाला, अगर वो मेरी फाइल अदालत में ना पेश कर देता तो सारी जायदाद हमेशा के लिए उसी के पास रहती। जमशेद और उसकी बीवी फरीदा दोनों इंतहाई मक्कार हैं भारत, अगर जायदाद अदालत ने जमशेद के हवाले कर दी तो वो विनर है। बॉस तो वैसे ही करता है हर वक्त वो तुम्हें। नहीं खाला। खामोश रहो तारा, उसने दवाएं खिला खिला कर तुम्हारा जहन ऑल्टर कर दिया है, तुम्हें किसी की बात पर एतबार ही नहीं है उनके अलावा। मुझे डर लगता है खाला, मैंने अपने बाबा को नहीं देखा, अफान अपने बाबा के बगैर कैसे रहेगा? कल उसके सौतेले बहन भाई उसके साथ क्या सलूक करेंगे? तारा तुम इतना सोचती क्यों हो, मैंने दो मरतबा शादी की और दोनों मरतबा धोखा खाया, शोहर के रिश्ते पर एतमाद नहीं है मुझे। खाला ऐसी बातें मत करें, मेरा सर दुखने लग जाता है। मुझे मामा याद आती है। क्या हुआ तारा? मेरा दम घुट रहा है खाला, मुझे अकेला छोड़ दे। पता नहीं कल अदालत में ये क्या कहते, जमशेद पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता अम्मी, ऊपर से ये इसकी मक्कार खाला यहाँ आकर विराजमान हो गई है। इसके दिल में खुदा का खौफ है ही नहीं, पता नहीं कमरा बंद करके क्या पट्टियां बढ़ाती रहती है उससे। अगर तारा ने वाकई कुछ उल्टा सीधा कह दिया अम्मी, जमशेद की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। हम क्या इतने बेबस हो गए हैं कि किसी को कुछ कह भी नहीं सकते अब? कुछ नहीं होगा साजदा, ज्यादा से ज्यादा अदालत जायदाद तारा के हवाले कर देगी और ये बहुत बेहतर फैसला होगा, तारा को उसका हक वापस मिल जाएगा। पर वैसे भी तारा अब ज़हनी तौर पे बहुत बेहतर हो गई है। अम्मी लगता है तारा के साथ रह रहकर आप भी अकल से फारिग हो गई हैं, ये आपको ठीक नजर आ रही है? बेटा उसे वहम और शक की बीमारी है, जू जू जिंदगी की हकीकतें खुलेंगी ना वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हाँ अब तो साइकाइट्रिस्ट ने भी ये बात कह दी है कि वो अपनी जायदाद संभालने की अहल है, अल्लाह की शान है अम्मी, कल तक तो पागल थी। मैं तो कहती हूँ तारा को उसका हक मिल जाए और उसके सुतेले बहन भाइयों से उसकी जान छुट जाए। हाँ आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है तारा से, शुक्र है जमशेद ने फरीदा जैसी सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली है, उसके जहन को समझकर चलती है वो, वरना तो जिन हालात में उसकी शादी हुई थी तारा जैसी औरत के साथ चलना किसी के भी बस की बात नहीं है। अल्लाह मेरे बच्चे को सेहतमंद औलाद दे।
उसके सारे दुख दूर हो जाएं। मेरा बच्चा तो चक्की के दो पाटों में पिस कर रह गया। पता नहीं अदालत कल क्या फैसला सुना दे, और तारा तो काबू ही नहीं आ रही। पागल हो के बिना सबको चुराती है। इसकी मां ने हमारे बाप को पूरी जिंदगी खानदान से अलहदा रखा। पता नहीं क्या जादू कर दिया था मेरे बाप पर, कभी पीछे मुड़कर ना देखा बाबा ने। और मेरी मां बेचारी पूरी जिंदगी तरसती रह गई उनकी सूरत देखने के लिए। तारा मेरी मंग थी। जब तारा पैदा हुई थी ना, तो हमारी दादी ने भरी बरादरी में कहा था कि अहमद अली की बेटी का हाथ मैं अपने पोते के हाथ में दूंगी। अब इस डॉक्टर को देख लूंगा मैं। हमारे खानदान की लड़की भी ले गया और जायदाद भी हथिया ली। और भूखे नंगे खानदान का आदमी है, जायदाद देखकर पागल हो गया। एक तरफ तारा को कैद कर रखा है, दूसरी तरफ खजाने पे सांप बन के बैठा है। और दूसरी शादी भी कर ली। अब तो सुना है कि उसकी दूसरी बीवी मां बनने वाली है। बड़े कामयाब मंसूबे बनाए जा रहे हैं। भई वाह भई वाह। एक तरफ तारा का दिमाग अपने काबू में कर रखा है उसने, ये तारा भी हमारी एक नहीं सुनती। वो भी इतना गहरा आदमी है कि अंदर की बात नहीं खोलता। अगर तारा की मेडिकल फाइल अदालत में दिखा देना तो अदालत बहुत आराम से केस खारिज कर सकती है। शायद अदालत में तारा को पागल साबित करना ठीक नहीं है उसके हक में। ऐसा ना हो ऐसी सूरत में अदालत तमाम जायदाद की मलकियत उसके खानदान को दे दे। चलो देख लेंगे, अगर केस जीत भी गया ना तो इतनी आसानी से उसे अपनी जमीन पे हल नहीं चलाने दूंगा। गवाहों के बयानात, माहिर नफ्सियात की रिपोर्ट और सितारा के अपने बयान की रोशनी में यह हकीकत सामने आई है कि मिसेस सितारा जमशेद ज़हनी बीमारी का शिकार ज़रूर हैं, लेकिन अक्लो खिर से बेगाना नहीं हैं। इनके होश व हवास सलामत हैं और वो अपनी जायदाद के मामलात की देखभाल करने की सलाहियत रखती हैं। इनके शौहर डॉक्टर जमशेद पर धोखाधड़ी और फ्रॉड के लगाए गए इल्जामात साबित नहीं हो सके। बहरहाल अदालत सितारा की मरहूमा वालदा की वसीयत को मंसूख करने का हुक्म देती है और सितारा की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद का मालिक सितारा को करार देते हुए इस ज़िमन में तमाम इख्तियारात मिसेस सितारा जमशेद के हवाले करने का हुक्म सादर करती है।